तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को, जमशेदपुर वासियों को सर, आपकी तरफ से। जमशेदपुर पुलिस की तरफ से लगातार साइबर ठगी हो या फिजिकल ठगी हो, उसके मामले में हमेशा मैसेज स्प्रेड किया गया है। अभी भी मेरी आपसे यही अपील है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य झांसेबाज के झांसे में नहीं आए। जैसे अभी एक नया मोडस ऑपरेंडी अपराधियों का सामने आया है, उसमें वो लोग कहते हैं कि हम पुलिस वाले हैं, सिविल में हैं, और आप इतने गहने पहन के क्यों चल रही हैं, आप इन गहनों को रख लीजिए, हमें दे दीजिए, हम आपको बांध के दे देते हैं। और फिर स्वेच्छा से वो गहने उतार भी दिए जाते हैं और उनको दे भी दिए जाते हैं, और वो गहनों को बड़ी सफाई से बदल देते हैं। ऐसा ही एक और भी मामला सामने आया था, उसमें कुछ लोग आए, महिला को बोला कि हम आपके गहनों की सफाई कर देंगे, उनको पॉलिश कर देंगे, और वो पॉलिश करने के बहाने से उनके गहने बदल के चले गए। तो इस तरह की घटनाओं से आप बचें, अनजान व्यक्तियों से आप इंटरेक्ट नहीं करें, और अगर कोई व्यक्ति आपको पुलिस वाला बताता है तो उसका थोड़ा वेरिफिकेशन करें, अथवा 100 नंबर पर कॉल करें, या अपने नियरेस्ट थाना प्रभारी को कॉल करें आप, या आसपास के लोगों को बुला लें और उनको बताएं कि देखिए ये आदमी है, अपने आप को पुलिस वाला बता रहा है और इस तरीके से मुझे कह रहा है। तो ऐसे अपराधियों को जागरूकता से हम पकड़ने में कामयाब होंगे, इसमें लोगों की सजगता बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा मुद्दा है साइबर ठगी का, उसमें भी ऐसे ही कॉल आते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, या आपका ATM ब्लॉक हो गया है, या किसी का ATM, अगर ATM मशीन में फंस गया तो हम इसको निकलवा देते हैं, या आपको डबल पैसा मिल जाएगा, या 3 पैसा गुना पैसा मिल जाएगा, या आप 2000 इन्वेस्ट करिए आपको 4000 मिल जाएगा, या आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करिए आपको 20 लाख मिलेगा, या फिर इतनी ज़मीन मिल जाएगी। ये सब झांसेबाजी के तरीके हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। अगर आपको पैसा कमाना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कानूनी रूप से उसको कमाना होगा। अगर कोई आपको बोलता है कि आपका पैसा हम डबल कर देंगे या 3 गुना कर देंगे, तो वो एकदम झांसेबाजी है।